आप लोगों को मैं एक ऑपरेशन दिखा देता हूँ। तो पेशेंट से मिलाता हूँ, पेशेंट का नाम एचएमटी विवेक, ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 1980 का और ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड है ये। तो इनका प्रॉब्लम है कीलेस वॉक, यानी सरल भाषा में घुटनों में प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका क्राउन एंड स्टेम है, या फीट एंड लेग कह सकते हैं, जो निकलते रहता है। तो ये एक डिसलोकेशन का प्रॉब्लम भी कह सकते हैं हम लोग, स्टक नहीं रहता है वहाँ पर। मेरे हाथ में आ गया है, अब इसको मैं चीर फाड़ डालता हूँ। इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। नमस्ते, बड़ों को प्रणाम और मेरे सभी दोस्तों को आकाकार प्यार। कभी स्क्रू गिरे तो कभी स्प्रिंग उड़े, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही तो मजा आए। ऐसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाए, हम तो बस अपनी लक्ष्य की ओर बढ़े रहे। जिंदगी कभी खराब तो अंत सही, लाइफ एंजॉय। इसमें मैं पहला चीरा लगाने जा रहा हूँ। तो ये इसका बैक केस है, तो हमारा बॉडी का स्किन कह सकते हैं इसको। अब मैं काट कर इसके अंदर के अंतरिया में जाने वाला हूँ। तो इसका ये मैकेनिज्म है, ये पैर जुड़ा नहीं था तो अपने शरीर से अलग हो गया। तो अब इसका मैं हैंड्स निकालने वाला हूँ। हैंड्स निकालने के लिए मैं एक प्लास्टिक यूज़ करूँगा, जिससे कि इसके डायल यानी कि इसका फेस में, इसकी खूबसूरती में दाग ना लग जाए। तो वो प्लास्टिक इसको बचाएगा, इसकी खूबसूरती को बचाए रखने के लिए। इसका ये सेकेंड हैंड, ये अब मिनट्स हैंड, और फिर इसके बाद इसका आवर हैंड। तो इसमें तीन हैंड्स है। तो फिर से फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि डायल, वॉच डायल को। तो इसका ये मिनट्स हैंड। तो इसको ऑपरेशन होते हुए इसको दर्द ना हो, इसलिए मैं इसका अब मैं ब्रेन और हार्ट को निकाल के बाहर कर देता हूँ। तो इसका ब्रेन और हार्ट यानी कि इसका बैलेंस असेंबली। असिस्टेंट, ऑपरेशन टेबल को साफ करो, हार्ट बकरा साइड में लगाओ। अरे ब्रेन गिर गया। तो ये जो बैलेंस असेंबली है, ये वॉच का सबसे डेलिकेट पार्ट होता है, इसे एकदम दूर ही रखने में सही रहता है। जैसे हमारे फेस और बॉडी को कनेक्ट करता है हमारा सर्विकल वर्टिब्रा, वैसे ही इस वॉच के डायल को और वॉच मेसिन को जॉइन करता है ये डायल स्क्रू, और उसको कवर करता है वो प्लास्टिक रिंग, जिसे अभी मैंने निकाल चुका हूँ, जो हमारा नेक कह सकते हैं वो प्लास्टिक रिंग को। और ये डायल स्क्रू है हमारा सर्विकल वर्टिब्रे, जो 7 बोन्स है हमारे नेक में। तो इसे खोलने के बाद मेरा डायल और मशीन अलग हो जाएगा। ऐसे 2 स्क्रू है, एक निकल गया था। हमारा फर्स्ट व्यू ऑफ द प्रॉब्लम एरिया कीलेस वर्क, जिसे हम तुलना अपनी नी के साथ कर सकते हैं। ये क्राउन और हिप जॉइंट को जोड़ के रखता है, मशीन को जोड़ के रखता है। तो अभी मैं इसको ऐसे एक बार एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, कहीं पे वो एडजस्ट हो जाए तो वो वर्क करना शुरू हो जाए। पर एक बार के लिए ऐसा होता है कि ये वर्क करा जैसा भी हो जाता है, पर असलियत में वो जस्ट एक बार टेम्प्रेरी फिक्स होता है। तो उसको फिर से पूरा निकालना पड़ेगा स्पेयर वॉच के थ्रू से। तो कुछ ही सन के लिए वर्क कर रहा है जैसा दिखा रहा है, पर यह वर्क करेगा नहीं। मैं इसको फिर से
फिक्स करता हूँ, और उसके बाद फिर से निकाल के एक बार टेस्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको फिर से टेस्ट करता हूँ तो वो ज्वाइन हुआ नहीं होता है। मैंने अब इसको निकाल दिया वापस बाहर, अब मैं इसको फिर से डालूँगा तो आप देख लीजिए। ये डाल लिया पर ये फिक्स नहीं होता है, देख लीजिए निकल जाता है बाहर। मैं फिर से एडजस्ट करता हूँ पर उसके बाद मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे जो मेरे पास एक्सपेयर मशीन है मिस्टर कोहिनूर वाइट डायल वाले, तो उनका पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। उसका ब्रेन और हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दोनों ही मेंटल हो गए शायद। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था स्प्रिंग उड़ा, तो अभी स्प्रिंग उड़ेगा। वो स्प्रिंग को हम अपने मसल्स की तरह कंपेयर कर सकते हैं जो मूवमेंट्स अलाउ करता है। अगर ये गुम हो जाता तो फिर मिस्टर वाइट डायल में भी इसका स्पेयर पार्ट था कि नहीं पता नहीं था मेरे को। बेचारा मिस्टर वाइट डायल कोहिनूर, अब इनका ओपन कर लिया मैंने, अब इसका नी जॉइंट्स ट्रांसप्लांट हो जाएगा हमारे मिस्टर विवेक को। अब मैं मिस्टर वाइट के नी स्ट्रक्चर से लिगामेंट निकाल रहा हूँ, सही लिगामेंट। उसके साइड में मिस्टर विवेक का टियर थे लिगामेंट है, तो ये हमारा स्टेम रिलीज पुश बटन है जिसमें खराबी था मिस्टर विवेक के में, और उसके साइड में उसका स्प्रिंग है यानी कि मसल। तो अब मैं मिस्टर वाइट कोहिनूर को मैं पैक कर रहा हूँ। जो ये हमारा सही पुश बटन है, इसको अब हम मिस्टर विवेक में फिट करेंगे। तो मैं इसे फिट करता हूँ, आप प्रोसेस देख लीजिए बस। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बॉडी पार्ट्स के साथ तुलना कर रहा हूँ इस वॉच के पार्ट्स को, तो ये बात कॉमन है कि उस वॉच के पार्ट्स में भी हम बॉडी पार्ट्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इस वॉच को भी हम इंसान ने ही बनाया है और हम अपनी ही आकृति जो हमारे कलाकृति है उसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सिमिलर चीज़ मिल जाता है, कहीं चार चीज़ है जो इंसान ने बनाया है उसमें सिमिलर चीज़ मिल जाता है। जैसे कि गाड़ी की हेडलाइट को हम आँखों से कंपेयर करते हैं, वैसे ही वॉच का भी कई पार्ट्स को हम हमारे शरीर के अंग से तुलना कर सकते हैं। ये स्प्रिंग फिट करना सचमुच में ही एक पूरा वर्कआउट का काम हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा समय इसी ने खा लिया इसको फिट करने में वापस। फाइनल एडजस्टमेंट,
बुर्रा। तो जल्दी से अब मैं फिर से बाकी के पार्ट्स को इसके साथ अटैच कर लूँ। तो ये अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, अंदर घुसाया नहीं, जिससे कि एक अलाइनमेंट के लिए इजी रह जाए। अब मैं इसका डायल स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ, जो हमारा सर्विकल वर्टिब्रा है, नेक का बोन। अब इसकी ब्रेन और हार्ट को जोड़कर इसको जीवन देने का समय आ गया है। तो मैं इसको डालता हूँ, ये बहुत डेलिकेट प्रोसेस होता है। तो एक बार मेरे हाथ से स्लिप हो जाता तो ये थोड़ा सा मिस भी हो जाता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे अभी दिखेगा। अब थोड़ा सा जंप स्टार्ट करता हूँ, इसको पुश कर रहा हूँ और ये स्टार्ट हो गया, इसको फिर से जीवन मिल गया। पर ये अभी चलता नहीं, इसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भरा होगा। तो कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए इसको ऑयल डाल के क्लीन करता हूँ मैं। तो मैं जो ऑयल यूज़ कर रहा हूँ ये एकदम ही प्रोफेशनल ऑयल नहीं है, ये गलत ऑयल है यूज़ करने के लिए। पर मेरा ये जस्ट टाइम पास है तो चलता है। साइड में जो येलो कैप है उसके अंदर में केरोसिन ऑयल है, ये एकदम प्रोफेशनली ये ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। इसका ग्लास फिट नहीं है तो मैं सीधा बाहर से ही बॉडी के अंदर ही डाल कर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इजी रहता है। नहीं तो फिर से ग्लास फिक्स होता तो पहले डालना पड़ता, उसके बाद बॉडी के अंदर डालते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल, फाइनली मिस्टर विवेक का नी जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। वो अब शायद 4-5 साल के बाद जो कोने में पड़े रहते थे वहाँ से निकल गए हैं और अब ये हमारे संसार का पूरा लुफ्त उठाएंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मेहनत का फल अंत में रंग लाया है। आप लोगों के लिए एक रिस्ट वॉच चेक, हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर विवेक। तो इनका ये बर्तन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और टाइम चेंज हो रहा है, अब ये बर्तन निकलता भी नहीं है, सब कुछ सही हो गया है। मुझे पता है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी मैं जितना जानता हूँ मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ। ऐसे मुझे ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं बस कोशिश करता हूँ और आप लोगों के बीच में अपना थोड़ा सा आइडिया शेयर कर रहा हूँ। वैसे ही आप लोग भी शेयर कर दीजिए मेरा वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में, और लाइक तो बनता ही है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मिलता रहे आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार। ओवर एंड आउट।